हाई अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माई फ्यूचर एम एन एस ऑफिस कैसे हैं आप सब आई एम श्योर यू लॉ डिंग ग्रेट सो वेलकम बैक टू माई चैनल एम एन एस जोन एंड दिस इज रिया कुमारी सो लाइव में बहुत सारे क्वेश्चन थे बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे तो मैं काफ़ी क्वेश्चन के साथ जवाब नहीं दे पाई तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका मैं जवाब नहीं दे पाई लेकिन मैं लाइव वापस जरूर आऊँगी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हैं जो भी क्वेरीज हैं मैं वापस आप लोगों की लाइव आऊँगी लेकिन उस लाइव में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे वो डेंटल रिकॉर्ड रिगार्डिंग थे कि उनके रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं उनकी क्या क्राइटेरिया है क्या प्रोसीजर है तो मैंने अपने काफ़ी रिसर्च की मतलब काफ़ी पूछा मैंने तो एक कैडेट से मैंने पूछा है तो उन्होंने मुझे जो बताया है वो मैं आपको बताऊंगी ठीक है इस वीडियो में इस छोटे से वीडियो में मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा डेंटल के बारे में बताना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज़ ज़्यादा ना डेंटल के लिए इतना प्रेश मतलब इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है ठीक है डेंटल के लिए ज्यादा आप लोगों को रिजेक्शन uh, नहीं मिलेगा देखने को नहीं मिलेगा ठीक सो so, जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे ये कहा कि स्टूडेंट्स के जैसे एक्स्ट्रा टीथ होते हैं या कैविटीज़ होते हैं या कोई भी टीथ में प्रॉब्लम होते हैं तो वो लोग एक टाइम देते हैं ठीक है टाइम देते हैं कि आप इसे कैविटी जो भी है और एक्स्ट्रा टीथ है तो आप उसे रिमूव करो रिफ़िल करवा लो ठीक है तो टाइम देते हैं और वो स्टूडेंट्स करवा लेते हैं कोई इशू नहीं होता है टीथ में तो डेंटल में कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है जितना आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था ड्यूरिंग लाइफ ठीक है लेकिन मैं आप लोगों को एक फोर्टीन पॉइंट्स जो डेंटल के फोर्टीन पॉइंट्स होते हैं आर्मी में जब सिलेक्शन होता है तो फोर्टीन डेंटल पॉइंट्स होते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले तो so, आप लोग ज़्यादा प्रेशर मत लो अपने डेंटल के लिए कि अगर ऐसा है मतलब एक्स्ट्रा तीत है या जो भी है तो आ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आ, कोई रिजेक्शन नहीं होगा आप लोगों को थोड़ा टाइम दे दिया जाएगा आप लोग इसको रिमूव कर लो या इसको ठीक कर लो रिफ़िल कर लो क्लियर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि रिजेक्शन कहाँ होती है ठीक है अगर कोई डिसीज़ जो अनक्योरेबल है उन्होंने जिस जिस कैडिट से मैंने बात की है उन्होंने मुझे ये बताया है कि कोई डिसीज़ जो अनक्योरेबल है जो नहीं हो पाएगा उसमें रिजेक्शन uh, का बहुत ज़्यादा चांसेस है ठीक है तो आप लोग ये देख लो जो कोई भी डिजीज़ है जो अनक्योरेबल है तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं रिजेक्शन का सो so, ऐसे ही रिजेक्ट नहीं कर देते हैं मेडिकल में ठीक है अगर कोई बड़ा इश्यू होता है ठीक है जो डिसीज़ अनक्योरेबल है तभी रिजेक्शन uh, का ज़्यादा चांसेस है ठीक है जैसे कि लास्ट टाइम एक स्टूडेंट थी जो कि अंडर थी ठीक है so, सो जब वो फर्स्ट टाइम गई तो उसे टाइम दिया गया ठीक है अपने अंडर के लिए तो फिर भी उसका नहीं हो पाया फिर वापस उसको चांस दिया गया सेकंड चांस दिया गया मतलब उस स्टूडेंट को फिर जाके उसका सिलेक्शन हुआ तो ऐसे ही रिजेक्ट नहीं कर दिया जाता है ठीक है तो आप लोग ज़्यादा प्रेशर या ज़्यादा टेंशन मत लो लेकिन मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर देना चाहूँगी फोर्टीन पॉइंट्स ऑफ डेंटल के बारे में जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ और ये आप लोगों को जानना ज़रूरी है ठीक है फोर्टीन पॉइंट्स ऑफ डेंटल और मैं आपको एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सा एक नोट बताना चाहूँगी टैटू रिगार्डिंग ठीक है अगर किसी स्टूडेंट का ठीक है बहुत ही कम और रेयर केसेस होता है कि आ, किसी स्टूडेंट के अगर टैटू है विजिबल ठीक है मैं विजिबल टैटूज की बात कर रही हूँ तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों को शायद टेम्प्रेरी या परमानेंट रिजेक्शन मिल सकता है टेम्प्रेरी में भी आ, लेकिन प्लीज़ अगर आपके इनर बॉडी में अगर वो टैटू है अगर वो विजिबल नहीं है तो कोई इशू नहीं है अगर आपके इनर बॉडी में वो दिखता नहीं है तो कोई दिक्कत वाली नहीं है उस टाटो की लेकिन अगर वो विजिबल है तो फिर प्रॉब्लम है ठीक है सो अगर किसी स्टूडेंट को मेडिकल रिगार्डिंग या कोई भी डिसीज़ रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस है या कोई क्यूरीज़ है तो आप लोग हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें ठीक है मैं हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दे दूँगी ठीक है इस वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और या तो आप ईमेल करें ईमेल आईडी मैंने डी मैंने दे दे है ठीक है तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ईमेल करें उन्हें ठीक है कोई भी मेडिकल uh, रिगार्डिंग आपको है कोई इशू या आप उसे कॉल uh, कॉल कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पर ठीक है क्लियर इस वीडियो में स्पेसिफ़िकली मुझे डेंटल के बारे में बताना था ठीक है बहुत बहुत कम बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं डेंटल रिजेक्शन के लिए ठीक है तो आप लोग ज़्यादा टेंशन या प्रेशर मत लो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फोर्टीन डेंटल पॉइंट्स ऑफ इंडिया आमी जो कि इंडन आमी में सेलेक्शन होता है फोटीन डेंटल पॉइंट्स देखा जाता है तो क्या क्या है वो मैं आपको ब्रीफली नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ सो so, uh, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें एंड येज बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे जो नेक्स्ट वीडियो है उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच जय हिंद